पराशीन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, बहुत लोग हैं इसलिए सम्मानित मंच कहते मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, और हमारे प्रत्याशी यानी इस आयोजन के दूल्हा डॉक्टर अजय जी, सभी कार्यकर्ता दूर, माननीय भूपेंद्र जी यानी प्रदेश अध्यक्ष जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, फिर भी मुझे आदेश मिला तो मैं कुछ कहूंगा। ये छोड़ दो आप, आदेश है इसलिए कोई भी चुनाव के दो आधार होते हैं, एक उस पार्टी का वातावरण कैसा है क्षेत्र, और दूसरा संगठनात्मक ढांचा कैसे खड़ा है। वातावरण अनुकूलतम है पूरे देश में, सब है, माननीय मोदी जी माननीय योगी जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व का कमाल है कि अनुकूलतम वातावरण है, और संगठनात्मक संरचना बहुत दिनों से हो रही है, पन्ना प्रमुख तक पन्ने तक हमारा संगठन की व्यवस्था खड़ी है, अब चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। तो इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि एक परंपरागत वोट होता है किसी भी पार्टी का, और एक होता है परंपरागत विरोधी। तो परंपरागत वोटों में सेंध न लग पाए विरोधियों की सबसे पहली चिंता तो हमको ये करनी चाहिए अपने छोटे स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, बूथ स्तर पर। जो न्यूट्रल वोट होता है जिसका कोई कमिटमेंट किसी पार्टी से नहीं होता, उसको अपने पाले में कैसे लाया जाए इसकी योजना बननी चाहिए। आप सब एक्सपर्ट हैं, मैं आपको योजना बनाने के लिए नहीं हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैसे लाया जाता है। तीसरा जो पार्टी का घोर विरोधी वोट है, तो वो बूथ कैप्चर ना कर सके या कुछ अपने पाले में आ जाए हम सेंध लगा सके, एक तो ये रणनीति बना देनी चाहिए बूथ स्तर पर, बिल्डिंग स्तर पर। और यही व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसका होता है, चुनाव लड़ने वाले की जो बिरादरी होती है वो हमारे साथ होती है, जो विरोधी पक्ष में चुनाव लड़ रहा है उसकी बिरादरी भी होती है, और फिर शेष बिरादरियां भी। तो अपने प्रत्याशी के पक्ष की बिरादरी में वही सेंध लग पाए, और दूसरे की बिरादरी में हम सेंध कैसे लगा सके, बाकी बिरादरियां जिसके कोई प्रत्याशी नहीं है अपने बारे में कैसे ला सके, ये रणनीति बनेंगे तो चुनाव एक तरफा हो जाए। बाकी सब व्यवस्थाएं आप जानते हैं, माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। चुनाव में हम साल भर 5 साल कसरत करते हैं, राजनीतिक कसरत, क्यों कि हमारे लोग जनप्रतिनिधि बन तक पहुंचे, और जनप्रतिनिधि कैसे पहुंचेंगे जब वोटर लिस्ट में अपने लोगों के नाम दर्ज होंगे। वो समय निकल गया, और न किसी मोहल्ले में मान लीजिए कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का बाहुल्य है, उसका गढ़ है, लेकिन वोट दर्ज नहीं है तो गढ़ नहीं बन पाए, तो वोट बनाना, हालांकि वो समय निकल चुका। फिर वोट बन चुका, मतदान वाले दिन वोट डलवाना, नहीं डलवा पाए तो हमारा वोट भी ज्यादा है, गढ़ भी है, लेकिन वोट डल नहीं पाया, लाभ दूसरे को मिलेगा। तो हम जो राजनीतिक कसरत करते हैं 5 साल की, उसके मूल में छिपा है वोट बनाने से लेकर वोट डलवाने की यात्रा हम लोग पूरी कर लें। अब वोट डलवाने वाली बात रह जाएगी, वो कैसे योजना बनती है आप सब अनुभवी है मुझसे ज्यादा जानते हैं, बस मुझे तो उतना ही कहना था, क्योंकि हमें तो मार्गदर्शन प्रदेश अध्यक्ष जी का मिलेगा, मुझे खड़ा किया गया इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी से आग्रह करूंगा कि वे मार्गदर्शन करें। आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया,